आज मैं आपके साथ रियल एस्टेट के मुताबिक, इन्वेस्टिंग के मुताबिक जो बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। तो मेक श्योर करें कि पहला परचेज होता है, परचेज यानी आपको डिसीजन लेना है कि मुझे लेना है रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है। बेसिक प्राइस जो है आपको अच्छी निगोशिएट करनी है, जब प्राइस आप लें तो इसके लिए निगोशिएट। लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकेशन आप ऐसी जगह पे हो जो स्कूल और कॉलेज और वगैरह हो, ताकि आपको यानी इजी हो, उसकी वैल्यू भी बढ़े, सबवे हो। और फिर आपको डाउन पेमेंट सोचना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए 20% डाउन डालना पड़ता है। प्री अप्रूवल लें बैंक से आपकी मॉर्गेज का, क्योंकि प्री अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए आप वो करें, यानी 3-4 बैंकों के पास जाए ताकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले। क्लोजिंग कॉस्ट को कंसीडर करनी है। क्लोजिंग कॉस्ट होती है इंस्पेक्शन होता है, पहले इंस्पेक्शन कराते हैं प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट तो नहीं, अप्रेजल कराते हैं वैल्यू सही है या नहीं है, लॉयर आपके नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉयर की फीस होती है, और कभी कभार रिपेयर कॉस्ट भी निकल आती है, जैसे उसका वो अपार्टमेंट का रंग सही नहीं है, कारपेट सही नहीं है, तो हम रिपेयर कॉस्ट को भी कंसीडर करें आप। थर्ड सेकंड जो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, खाली को प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको मेंटेन भी करना है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स होती है, इसका इंश्योरेंस होता है, होम ओनर फी होती है, कॉन्डो फी होती है, इसके वैकेंसी रेट होता है, कैपिटल। तो वैकेंसी रेट क्या है कि आपको 5% या 3-5% रखना पड़ता है, कि कभी अगर किसी महीने में आपका अगर रेंट पे नहीं गया तो कम से कम आपके पास इतनी मनी हो कि आप अपनी मॉर्गेज पे कर सको। कैपिटल कॉस्ट रखते हैं 3% के करीब, कि कभी छोटा मोटा खर्चा निकल आया तो वो उसके लिए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस वो होती है, जो लोग खुद प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करते किसी कंपनी को देते हैं, वो 10% आपके मंथली रेंट का चार्ज करती है मोस्टली, उसको मेंटेन करने के लिए है। और फिर आ जाए इनकम पे, तो इनकम एक तो रेंटल इनकम होती है जो आपको हर महीने आती है, और अदर इनकम क्या होती है कि आपने वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा लगा दी, उसके अंदर कार्ड सिस्टम है तो उसकी इनकम होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लें तो ये सोचें मैं कितना उसके अंदर वैल्यू एड कर सकूँ। वैल्यू एड से मुराद ये है कि सपोज करो आपने नया कारपेट डाल दिया, नया कलर करा के दिया, नई मशीन वॉशिंग मशीन लेके दे दी, तो ऑटोमेटिकली जो रेंट आपका 1,000 रुपये तो 1,200 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आदमी भी जन खुशी से देगा क्योंकि उसकी घर की हालत अच्छी है। तो मेक श्योर करें ये कि मतलब एड वैल्यू इम्पोर्टेंट है। और चौथा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं जा रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करने, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा जो मैं लगाऊँ पैसे। तो कैश ऑन कैश रिटर्न है, कैश ऑन कैश रिटर्न ये था कि आपने अपने 20,000 रुपये लगाया डाउन पेमेंट 1,00,000 की प्रॉपर्टी पे, तो आपको कितना मिलना चाहिए। तो मोस्टली एक दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला होता है 1%। 1% फार्मूला ये होता है कि आपके अगर 1,00,000 की प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट 1,000 हो, तो उसको कहते हैं 1% ग्रॉस रेंट रूल यानी हो। और सेकेंड फार्मूला ये 50% ऑफ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, यानी आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं मॉर्गेज के अलावा वो 50% हो, तो वो प्रॉपर्टी मोस्टली अच्छी होती जाती है, यानी अच्छी बोली जाती है। और बेस्ट जो ये है कि आपका अगर कैश 20,000 रुपये लगाया है और तो आपका अगर 200 रुपये महीना बचता तो तकरीबन 12% हो गया। तो मेक श्योर करें कि आपको कैश ऑन कैश रिटर्न कितना आ रहा है, क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है कैप रेट कहते हैं। कैप रेट क्या होता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होती है आपकी, उसको प्राइस के साथ जो है डिवाइड करते हैं, तो वो तकरीबन 3%, 4%, 5% भी होती है कभी, तो वो पॉजिटिव में हो ना तो वो आपके लिए अच्छा है। और मेक श्योर करें ये 3-4 पॉइंट हैं जो बहुत ही बेसिक हैं आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे बड़ा जो फायदा रियल एस्टेट के अंदर ये है कि प्राइस बढ़ती है आपकी प्रॉपर्टी की, मॉर्गेज आपका रेंटर पे करता है,
और आपको कैश ऑन कैश रिटर्न मिलता है, और आपकी जो फ्यूचर के लिए आपके आपके बच्चों के लिए या आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको किसी ये चीज़ें सीखने के लिए कहीं कॉलेज या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। आप आराम से ये कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो आपको इन्वेस्टमेंट की आइडिया आ जाएगी। तो मेक श्योर करें ये चीज़ों को, ये आप देखें, कंसीडर करें। और मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं रीमेक एक्सीलेंस के साथ काम करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 7807092703। मैं जो हूँ रियल्टर हूँ एडमिंटन एल्बर्टा के अंदर। और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्वेस्ट इन एडमिंटन मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करें तो आपको हर हफ्ते एक आध वीडियो आपको मिलती रहेगी जो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको मजीद मालूमात होती रहेगी। और थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी।